नवकार सिस्टम्स में आपका स्वागत है। यह है फिंगरप्रिंट का मोटराइज लॉक। यहाँ हम इसके कनेक्शन समझाने वाले हैं, कैसे हमने इसके कनेक्शंस किए दोनों को। ये हमने एक 12 वोल्ट की तार ली है जो कि 12 वोल्ट दे रही है। ये सिस्टम 220 वोल्ट पे नहीं चलता, ये 12 वोल्ट पे चलता है। तो हमने 12 वोल्ट इसको करंट दे दिया है यहाँ पर प्लस और माइनस को। साथ ही साथ इसी तार से ही ये देखिए यही तार इसमें से निकल रही है और ये आपके रिमोट पीसीबी के 12 वोल्ट में जा रही है। मतलब यहाँ पर ये वाली तार, ये वाली, ये जो दोनों तारें हैं ये इधर प्लस, ये प्लस, मतलब ये जो ब्लू तार है ये प्लस है, ये वाइट वाली माइनस है। और हमने यहाँ पर प्लस को कॉम के साथ शॉर्ट किया हुआ है और जो माइनस की तार है, जो एनओ की तार है, उसको एल माइनस में कनेक्ट किया हुआ है। और इसके साथ ही जो यहाँ से जो प्लस की तार निकल रही है उसको भी प्लस 12 वोल्ट में कनेक्ट किया है। ये सिंपल कनेक्शन है। वैसे आपको हमसे वायरिंग डायग्राम भी मिल जाएगा, तो आप इस तरीके से आप अपने फिंगरप्रिंट मोटराइज लॉक को या नॉर्मल मोटराइज लॉक को भी आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू।